राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव फिलहाल रांची के लिए निकल चुके हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने गया में रात गुजारी है। कल शाम को ये खबरें आ रही थी कि तेज प्रताप यादव पटना में ही हैं, बोरिंग रोड के किसी इलाके में वो किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अब जो मीडिया सोर्सेज के मुताबिक जो खबर निकलकर सामने आ रही है, तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार की रात गया में गुजारी है और उसके बाद आज सुबह वो गया से रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रांची के रिम्स अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। वो चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता है। लालू प्रसाद यादव से मिल करके तेज प्रताप यादव इस बारे में क्या कुछ बात करेंगे, इस बारे में तो अभी जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन रिपोर्ट से ही कह रही है कि तेज प्रताप यादव जो अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के लिए जो तलाक की अर्जी डाली है पटना के सिविल कोर्ट में, उस बारे में ही चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। खबरें ऐसी भी हैं कि पिछली बार तेजस्वी यादव ने रांची रिम्स में मुलाकात की थी पिता लालू यादव से, और इस बार तबीयत को लेकर के तेज प्रताप यादव रांची रिम्स जा रहे हैं, लेकिन जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है पटना में, उसके अनुसार ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तेज प्रताप यादव अपनी तलाक की अर्जी को लेकर के ही राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए रांची रिम्स अस्पताल जा रहे हैं। उम्मीद है कि 11 से 11:30 बजे के बीच में राजा सुप्रीमो से उनकी मुलाकात होगी, लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात होगी। अभी का जो समय है वो 11 बजने जा रहे हैं। फिलहाल ऐसी जानकारी मिल रही है कि अभी रांची पहुंचे नहीं है तेज प्रताप यादव, लेकिन अभी की जो जानकारी मिल रही है इसके मुताबिक 12 बजे तक उनकी मुलाकात हो सकती है। इधर पटना में राजद सुप्रीमो और राबड़ी देवी जो कि पूर्व सीएम है, उनके पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड जो आवास है वहां पर गहमा गहमी बनी हुई है। कल शाम से ही गहमा गहमी की स्थिति थी। चंद्रिका राय जो ऐश्वर्या राय के पिता है, तेज प्रताप यादव के ससुर हैं, उनके साथ अपनी बेटी के साथ और अपने परिवार के साथ वो राबड़ी आवास पहुंचे, कई घंटे तक मुलाकात हुई, देर रात वहां से निकले, लेकिन सामने जो खबर आई उसके मुताबिक तेज प्रताप यादव पर मान मनोबल का कोई असर नहीं पड़ा। इस बीच भाई वीरेंद्र हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं और विधायक भी हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि ये साजिश हो सकता है और तेज प्रताप यादव के जो कोर्ट वाले डॉक्यूमेंट है, जो अर्जी डाली गई है, जो मीडिया में जो ट्रेंड कर रहा है डॉक्यूमेंट, उसमें भी तेज प्रताप यादव का सिग्नेचर नहीं है। अब ये क्या कानूनी पेश है ये भाई वीरेंद्र बेहतर बता सकेंगे और कानूनी जानकार बेहतर बता सकेंगे, लेकिन इस बीच जो खबर है कि तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे, लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप के बीच में क्या बातचीत होती है, इस पे बिहार समेत पूरे देश की मीडिया की नजर बनी हुई है, क्योंकि बिहार के एक बड़े राजनीतिक फैमिली के बीच में इस तरह की बात सामने आ रही है। अभी इसी साल शादी हुई है और 5 महीने तकरीबन बीतने के बाद अब तलाक की नौबत आ गई है। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।